इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D के अंदर इमेजिन करो दो बॉल्स हैं U1 U2 के साथ आ रही हैं और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी V1 एंड V2 हो गई। तो पहली इक्वेशन सबको मालूम है मोमेंटम कंजर्वेशन है, टक्कर से पहले मोमेंटम M1 U1 M2 U2 और कोलिजन के बाद मोमेंटम M1 V1 M2 V2 की वैल्यू विल रिमेन सेम। अब यहां से आपके पास एक इक्वेशन आ गई और दो वेरिएबल्स हैं, आपको एक और इक्वेशन चाहिए V1 V2 की जो आंसर सॉल्व करेगी। एनर्जी लगा नहीं सकते क्योंकि एनर्जी का लॉस है, तो फिर इसमें क्या लगेगा, रेस्टिट्यूशन, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में आपको ई की वैल्यू गिवन होती है, तो आपको रेस्टिट्यूशन गिवन होगा। आप ई का फॉर्मूला लगा लें, ई गिवन होगा, U1 U2 गिवन होगा, एक नई इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। तो दो इक्वेशंस आ गई, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से, एक रेस्टिट्यूशन से, तो यहां से V1 एंड V2 कैन बी कैलकुलेटेड। मैं करके दिखाता हूं, देखो कैसे। आपको मान लो एक बॉल गिवन है 2 kg और मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, तो क्या गिवन है, U1। सेकेंड बॉल है 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 m/s, क्या गिवन है, U2। ठीक है, आपको V1 V2 निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, इन इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं, इलास्टिक का फॉर्मूला हमने कर लिया, इन इलास्टिक तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है, रेस्टिट्यूशन गिवन होगा। तो पहली इक्वेशन कहां से बनेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या, 2 × 10 + 1 × 5 = 2 × V1 + 1 × V2। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, और दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फॉर्मूला लिख लें रेस्टिट्यूशन का, e की वैल्यू कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, हाफ, तो e की जगह हाफ। V2 V1 अननोन है, V2 V1 पुट कर लिया। U1 की जगह 10, U2 की जगह कितना, 5, 10 और 5। V2 V1 में एक और इक्वेशन आ गई, तो इस और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके V1 एंड V2 कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें कोई डाउट है इसमें, तो आप एक क्वेश्चन करें प्लीज इसमें। तो क्वेश्चन है, सपोज 10 kg की बॉडी है मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 m/s, सेकेंड बॉल लेट अस सपोज 5 kg की बॉडी है मूविंग विद 2 m/s, आफ्टर कोलिजन यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, ये आपको निकालना है, और इनका रेस्टिट्यूशन गिवन है 1/3। बनाए इक्वेशंस, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 10 × 5 + 5 × 2, ठीक, और इज इक्वल टू कितना, ये 10 kg है तो क्या बनेगा, 10 × V1 + 5 × V2, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन रेस्टिट्यूशन फॉर्मूला, V2 - V1 / U1 - U2, तो E की वैल्यू कितनी है, 1/3। V2 - V1 / U1 कितना है, 5 - 2, तो यहां से सॉल्व करके V2 - V1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो सेकेंड इक्वेशन, तो यहां से सॉल्व करके V1 एंड V2 कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड्स को समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है।